नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार जन दरिया वंदन करे पल पल नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवान जन दरिया वंदन करे राम गुरु देव जी को सीरी सीरी अनंत बार राम गुरु देव जी सीरी सीरी अनंत बार 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 सीरी सब संता को प्रणाम रे बार बार सीरी सब संता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम सहित शीश निवाऊं पड़ूं पाँव परिक्रमा प्रणाम सहित शीश निवाऊं पड़ूं पाँव मेरे चाहिए राम राय दीजो भक्ति दान रे मेरे चाहिए राम राय दीजो भक्ति दान रे हाँ कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान आगे कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान आगे हाँ लागे मीठो राम राम मोकु मेहरबान रे लागे मीठो सब बोलो श्रवणा सुनु तो राम रसना गुणु तो राम श्रवणा सुनु तो राम रसना गुणु तो राम वाणी में कहूँ तो राम संतारा बखान रे वाणी में कहूँ तो राम संता का बखान रे हाँ नाम प्रतीत दीजो नाम रो प्रकाश कीजो नाम री प्रतीत दीजो नाम को प्रकाश कीजो नाम री प्रतीत सुख सारण साचियान रे नाम री प्रतीत सुख सारण साचियान रे बोलो राम जी महाराज की बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की बोली श्री कृष्णदास जी महाराज की बोली सदगुरु कबीर साहेब की दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की बोली श्री वाणी जी महाराज की बोली श्री भक्तमाल जी महाराज की सब बोलो रा आवाज एकदम साफ आवे था ना साफ आवे राम आवाज सही आवे वाह बोलो राम जी महाराज की अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम परम पूज्य परम वंदनीय प्रातिस्मरणीय परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम।
अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री वाणी जी महाराज भक्तमाल जी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान पूज्य श्रद्धेय बाप जी श्री राम प्रकाश जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम। विराजित राम वल्लभ जी महाराज, फतेह राम जी महाराज, साध्वी माता, विराजित सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमय माता और बहनों, बहुत ही सुंदर रामधाम नौखारे पावन प्रांगण में बैठ और चातुर्मासिक सत्संग रो आपा सभी लोग लाभ ले रिया हाँ, जिमें आपा भक्त माल री कथा श्रवण कर रहे हाँ। भक्त माल यानी भक्तों री माला, जैसे माला में मिणिया कैसे पिरोड़ा रहे भाई, ऐसे ही भक्त माल में भक्तों री कथा है। कल आपा परम भक्त चंद्रहास री कथा सुनी ही। भारतीय भूमि में अनेकों भक्त रिया, आज अपा परम भक्त नरसिंह मेहता री कथा सुनाला। जो नरसिंह मेहता विया नानी बाई रो माई रो, जो सुनो ना आप, नानी बाई रे पिताजी रो नाम हो भक्त नरसिंह जी। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में नानी बाई रो माई रो खूब गायो जावे, पर जो संत मत्रे अनुसार संतोरी परंपरा अनुसार भक्त नरसिंह जो महिमा गाई है, आप ध्यान पूर्वक सुनो तो आपने समझ में आ जाए सारी ही कथा पूरी कि भाई कैसे भगवान भक्तों की रक्षा करी ही, कैसे नरसिंह भगवान वास्ते भगवान पधारिया। लिखे है रामदास जी महाराज अपनी भक्तमाल में, नरसी दास राम रा प्यासा, प्रेम भक्ति पाई परकासा। बोलो नरसी दास राम रा प्यासा, प्रेम भक्ति पाई परकासा, प्रेम भक्ति पाई परकासा, साई के संत हुया रे हजूरी, करमा है रो आशा पूरी, करमा है रो आशा पूरी, सदगुरु जी महाराज की। नरसिदास राम का प्यारा भगवान रा परम भक्त विया नरसी जी, प्रेम भक्ति पाई प्रकाशा, साई के संत हुआ हजूरी, कर माहेर और आशा पूरी, भगवान रे हजूरी विया, भगवान रे चरणों री भक्ति करी, भगवान नाम रो स्मरण करियो, संत कयो भी अनुसार करियो हो। तो महाराज गरीबदास जी लिखे कि नरसी जी की ऊंडी दीनी और सावण साहा कहाया, दो तीरे ब्याव भयो जद बात भरण को आया। भगवान कैसे नरसी भगवान रे जद दो तीरी जद मायरारो समय आयो, भगवान कैसे बात भरियो। नरसी जी रो जन्म सौराष्ट्र राज्य रा जूनागढ़ नाम रा गांव में भी हो। नरसी जी जूनागढ़ रहा, ब्राह्मण परिवार में जन्म भी हो। जूनागढ़ में लगभग 70-80 ब्राह्मण परिवार हा, सब वामपंथी हा, कट्टरपंथी हा, सब धनी हा, भगवान री कृपाओं धनरी कोई रे पास में कमी नहीं। नरसिंह जी रो जन्म यो लगभग विक्रम संवत 1470 में, लगभग 600 वर्ष पहले।
जूनागढ़ रे पास में तलाजा नाम रे गांव में नरसिंह जी रो जन्मियो। और कहे भाई जन्म सो नरसिंह जी गूंगा हा, बोल नहीं सकता हा। 5-7 बरसरा नरसिंह जी विया तो माता पिता शांत वेगा। एक नरसिंह जी रे बड़ा भाई हा, वंशीधर नाम हो, और दादी लालन पालन करियो नरसिंह भगवान। दादी संत सेवक थी, संतों री सत्संग में जाती थी। पास में एक मंदिर हो ठाकुर जी रो, भी ठाकुर जी ने मंदिर में दादी जाती ही नरसिंह जी ने साथ ले जाती ही। और दादी ने चिंता रहती कि इरा माता पिता भी खत्म वेगारो, बोल ही नहीं सके, इरी जिंदगी कैसे पार गई। भी समय केवे एक भाई इस संसार में समय समय माते भगवान संतरे रूप में पधारिया करे, कोई ना कोई साधु रूप में भगवान धरती रे माते घूमिया करे। जो जन मेरी शरण गहे ताका हूं मैं दास, गेल गेल लागिया फिरूं जब लग धरती आकाश। नरसिंह भगवान पुरबली कोई पुण्य आत्मा है, संत रूप में भगवान बैठा है। दादी और नरसिंह जी जाए प्रणाम करिया तो बोले के मारो ये पोतो बोले नहीं। तो बे संत के बोल बच्चा राम, भी दिन सु नरसिंह जी री बोली शुरू होगी। राम बोलते ही राम बोलने लागा। अब सजनों समय बीती, नरसिंह जी बड़ा भिया, नरसिंह जी री शादी वेगी। नरसिंह जी रे एक बच्ची ही जीरो नाम हो नैनी बाई, पर गरीब स्थिति ही, बहुत अति गरीबी ही घर में, क्योंकि बचपन में माता पिता खत्म बेगार। वंशी दर्री जो पत्नी बोझई ही, बा कड़क स्वभाव री जन, बा बचपन में ही संपत्ति खुद लूट ली। नरसिंह जी बहुत निर्धन था। एक दिन री बात है, एक नरसिंह जी जंगल रे गांव रे बार जंगल में एक वृक्ष रे नीचे बैठा। विश्व में संत रूप में भगवान वापिस पधारिया। नरसिंह जी प्रणाम करे। अब नरसिंह जी बोले भगवान मैं बहुत दुखी हूं, मारे पास में बहुत गरीबी है। भगवान क्यों ठीक है भाई, कोई बात नहीं, थारी गरीबी भी दूर हो सके है, क्योंकि परमात्मा रे पास में ऐसी शक्ति है कि परमात्मा री शरण में कोई जावे तो परमात्मा निर्धन ने भी धनी कर दिया करे। वो तो परमात्मा सर्व समर्थ है भाई, तो तू परमात्मा राम जी री शरण हो, इर भगवान री भक्ति करी तो थारे सारी व्यवस्था भी जाए। अब भाई डूबता ने तिनका रो सारो। नरसिंह जी बोले आप कह वो जैसे मैं कर ले। तो बे संत राम नाम रो उपदेश दियो, क्यों भाई भजन कर जे, राम राम कर जे, और ई तरह मर्यादा रे साथ में ई विधि भक्ति करी भगवान रे शरणागत वे तो भगवान थारे कोई प्रकार की कमी नहीं रखे। अब नरसिंह जी तो उठता बैठता जागता सोता राम राम ही राम राम करता। भगवान री कृपा बरसने लागी। छोटो मोटो कोई काम व्यापार करता भी व्यापार में तरक्की वे होने लागी। धीरे धीरे तरक्की वेता वेता बे नगरी रा प्रथम सेठ बन गया। इतो मेरे पास में भगवान री कृपाऊ धन वेगो हो। पर सजनों एक बात वेगी के ज्यू ज्यू धन वेतोगी और संपत्ति इकट्ठी वेती गी, ज्यू ज्यू राम जी री भक्ति छूट गई। गणो रिव्यू वेजन भक्ति छूट जावे। दुख में तो भगवान री भक्ति करता हार, अब जैसे जैसे पसारो वे उन्हें लागो, और पसारा में भगवान री भक्ति और नित नेम नरसिंह जीरो छूट गो। भगवान री भक्ति भूल गा, बोपार काम में मन लागो। माया ऐसी है सजनो, महात्मा कहे माया तेरी मौनी मोया जग सारा, कोई कोई अरिजन नीसरिया जिन पाया है भेवा। भगवान री माया बड़ी अटपटी है भाई, ये माया बड़े बड़े भक्तों ने डावाडोल कर दिया है। अब धनरी दृष्टि तो बे मालो माल हो रिया है,
पर भक्ति री दृष्टि में कंगाल हो रिया दिनों दिन, और सुख आयो और भगवान की भक्ति छोड़ दी। भाई महात्मा कहवे नहीं कि भाई दुख में तो सिमरण करे और सुख में करे न कोई, सुख में जे सिमरण करे तो दुख काई को हो। भगवान विचार करियो संत रूप में पधारियो रहा, भाई भगवान भगतरी कैसे निंग रखे है, ज्यू बच्चा गऊ की नजर में यूं साई को संत, भगतों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत, जैसे गाय अपने बच्चारी कैसे निगरानी रखे है, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों की निगरानी रखे। क्यों रे, वो तो माया में तो बिल्कुल गेलो वेगो है, दुखी हो जब तो भगवान री भक्ति कर दो, और आज इकन धन भी हो भगवान ने भूल गो, राम जी री भक्ति भूल गो, नरक में चलो जाए कैसे ही करन इन्हें चेता हो। संत रूप में एक दिन आया है भगवान नरसिंह जी रे घर, नरसिंह जी री जट दुकान ही जटे पेड़ी ही बैठता, और कहवे के भाई कहीं नरसिंह, नरसिंह जी तो इतना व्यस्त था कि संता भूख लगी हो तो भोजन कर लो, और की दान दक्षिणा लेनी है तो दान दक्षिणा ले लो और जाता रहो, मने अबार टेम को नहीं। भगवान की ओर देखो, ये दुखरा दिन भूल गो है जी दिन में दुख हो। भगवान की इरी अकल ने ठिकाने लानी पड़ी। भगवान कहीं करियो एक दिन नरसिंह जी सुबह सुबह प्रभात वन में घूमने जा रिया है, पीछे हूं भगवान नरसिंह जी रो रूप धारण कर लियो, किरो रूप सेम नरसिंह जी रो रूप धारण कर लियो और घर में आया। तो जिका नौकर चाकर हा, जिकी पत्नी ही, जिकी बच्ची ही, बच्ची री शादी कर दी इस समय और बहुत बड़े परिवार में कर दी, क्योंकि धनीर भाई रिपियाड़ार गणित कौन वे पैसाड़ा ही वे, बड़े घर में सगई शादी भी कर दी। वाह भाई, भगवान नरसिंह जी रो रूप धारण कर पधारिया और कहवे के अपने गांव में एक बे रूपियो आयोडो है, और भी रो रूप रंग कैसो है, मारे जैसो है। तो वो अठे आए बैठ जावे लोर, वो बेखवा में डाल दे लो था नहीं कारणों में वापिस आएगे, यदि वो अजियावे तो बिने घर में प्रवेश नहीं होने देनो है। कुण कियो, भगवान जो नरसिंह जी बनी उड़ा, नरसिंह जी घूमने की उड़ा, नरसिंह जी आप रे वन में घूम घुमाए पाछा आया, पाछा आया जना घर में बढ़ने लागा जन भी नौकर चाकर बा पत्नी की माइन कड़न बढ़ो के मारो घर है कि थारो किसी घर है, अरे मैं नरसिंह हूं थारो पति, मारो पति तो माइन बैठो झूठ। अब नरसिंह जी क्यों रे अड़ो कौन पति आयो, तो बाहर निकले आवे भगवान नरसिंह जी रूप में, नरसिंह जी ने पतो चाल करे तो भगवान ही है, आप केड़ी करिए। अब नरसिंह जी बोले कहीं कुछ नहीं बोलिया, नरसिंह जी अपनी पत्नी ने कह रहे थे मैं ही थारो पति हूं, ये बेरूपियो है कि नहीं नहीं वो माने पतो है बेरूपियो तू है को है। अब ये बात वेता वेता बात चलेगी राजा रे पास में, भी नगरी रो जो राजो हो राजा रे पास में बात की, जन राजा रे पास में दोनों ही हाजिर भी आ, तो राजो ओळखे ही कोनी भाई असली नरसिंह कौन है। तो राजो कहे भाई अब वो भगवान है, बे कहवे के भाई वो बेरूपियो है, और सही नरसिंह भगवान ने कहे वो बेरूपियो है। राजा कियो भाई देखो परीक्षा लो, हाँ ठीक है परीक्षा लो, राजा जो असली नरसिंह जी हा, भगवान तो बनी उड़ा, असली नरसिंह ने पूछे तू ये बता के थारी बच्ची की शादी करी जन खर्चो कितो लागो, हिसाब किताब में कितो खर्चो लागो, भाई थारे पोती पांदड़ा में हिसाब तो लिखियोड़ो है। नरसिंह जी बे कहवे के पोती पांदड़ा में घरे हिसाब लिखियोड़ो है दुकान में, और दे कर में बताई दे। बहन पूछियो तो भगवान बे असली बोले भगवान तो सब माया भगवान री तो है भाई, भगवान कहवे के इतो 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 खर्चो भी है लिखियोड़ो कट है फलानी जगह भाई में इतना नंबर पेज मत लिखियोड़ो हो, और भी कई बातें पूछी थारे इस सालरो खर्चो कितो भी हो ऐसे खर्चो कैसे भी हो। नरसिंह जी ने तो पूरी मुख जबानी याद नहीं भगवान जीव रीत्यू बताई दी,
अब कहीं करे बताओ आप। राजा क्यों अटू टेम माते चलियो जाइ बाहर निकल जाइ वरना सजा देऊंगा। और जो भगवान आबे ने क्यों आप जाओ भाई आप सच्चा नरसिंह जी सेठ आप ही हो। भगवान चलिया गया और नरसिंह जी जाए जंगल में बारे रोने लागा केरी गजब करी। इतनी देर में भगवान पधारिया वापिस नरसिंह जी रूप में नरसिंह जी के पास में। अरे रोवे क्यों भाई कहते देख छल मत कर भगवान। भगवान के मेरे छल नहीं करूं मारो केणो मान ले कहीं केणो मानो तो मन कंगाल कर दियो। मैं कंगाल नहीं करियो तुम्हारी पूरी संपत्ति हड़प ली। अरे मूर्ख संपत्ति तुम्हारी जी और मैं तन दिवी ही पर तू संपत्ति में भगवान ने बने भूल गो तो काया तेरी है नहीं माया कांसे होई चरण कमल में ध्यान धरो और इन दोनों को खोई। अरे मूर्ख ये काया ही थारी नहीं है माया कठो है बता तो भगवान री भक्ति कर। और भगवान रा अद्भुत वापिस भगवान उपदेश दिया कि तू गरीबी रा दिन याद कर भी समय भक्ति हूं तू माला माल भी हो और आज तू धनु तो माला वाल वेगो और भक्ति कंगाल वेगो। हे नरसी ऐसे तू मारे गर्भ में भगवान को कोल करियो। भगवान नरसी जी ने गर्भ रा कोल याद आवाणिया गायो है संत बाणी में। कैसे कोल निभावे गो भूल गयो बिन जारा लोभी गाइए। कैसे कोल निभावे गो भूल गयो माया रा लोभी कबलक बास बसावे गो उंडी नीव देवे अभिमानी ये कबलक बास बसावे गो दरिया रेसी गढ़ कोट खजाना ये हंस अकेलो जावे लो दरिया रेसी गढ़ गजरत साथन चाले लो मेल माणिया से सुरंगा गाइए। गजरत साथन चाले लो नहीं खाई नहीं खर्ची दमड़ी ये अंस अकेलो जावे लो नहीं खाई
कबीर साहब के हे मानव बे दुखरा दिन याद कर जी दिन मारे गर्भ में ऊंधे मुहे ओ जीव लटकियो हो और बड़े भारी कष्ट में हो और भगवान को प्रार्थना करी हे भगवान की नरक से बाहर निकालो और आपने एक पल भर भी नहीं भूलू बालक रो जन्म वेते ही बालक सबसे पहला कहीं करिया करे बताओ आप रोया करे क्योंकि वो बड़ा भयंकर कष्ट से मुक्त वे और फिर ही संसार में आया करे कारण जन्म ते वो विलाप करे रोवे पर सजनों दुख में तो भगवान को कोल करिया और सुख आयो भी समय आपा भगवान रे भी कोल ने भूल चुकिया हाँ ये महापुरुषों री वाणी ये संतों री वाणी गर्भ रे कोल ने याद दिला रही है हे प्राणी तू मारे गर्भ में कोल करियो हो भगवान से भूल गयो बिनजारा लोभी कैसे कोल निभावे गो ऊंडी नींव देवे अभिमानी कबलक बास बसावे गो दरिया रेशी गढ़ कोट खजानार हंस अकेलो जावे गो कितो जुमानो करे है कितो प्रयत्न कर कितो अपने वास्ते करे बड़ा बंगला कोठी गाड़ी कार लेवे है ये किता दिन रहा है सजनो ये तो शरीर छूटते ही सारा आठ ही रहने वाला है महात्मा समझावे हे मानव भी भगवान रे कोल ने याद कर माया पाई और माया में मस्त वे गो और भूल गो भगवान रे कोल ने महात्मा कहे के भाई भाया कहीं आई तारे हमेशा सच में आज कोई दूजी आएगी कहीं नवी नवी आई दिखे नवी आयोडी पर ठंडा है कि बहुत एक टोली रहा हमदार है वे ना तन सही रहे गो दूजो अज्ञान वो बीच कहीं विक्षेप कर लोग जा बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की तुम आत्मा कहे भाई नहीं खाई नहीं खर्ची दमड़ी रंस अकेलो जावे गो ऐसे ही भगवान नरसी जी ने याद आवाणियों ऐसे ही गर्भ में एक दिन कोल करियो और नरसी तुम भूल गो नरसी जी भी घटना सो और भगवान रे संत रे शब्दा सो इतनी चोट लगी कि नरसी जी की ओ भगवान आपके ओ जैन में करने तैयार हूं बोलो
बस मने तो अपनो उद्धार करनो है, मने अपनो कल्याण करनो है। भगवान के मारी यदि बात माने तो थारे पास में ये जीती कितनी भी संपत्ति है, थारे तो एक बच्ची है, एक बच्ची ने तू परनाई दी है, अब थारे काई करनो, अब तू और थारी पत्नी अब ते वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर रिया हो, ये पूरी संपत्ति ने दान दे दो और भगवान रो भजन करो, इस संपत्ति रो सदुपयोग करो। सजनों ये माया है, ये दो फल दिया करे, ये दो फल किसिया के रजब माया बेलड़ी और सिंचिया दो फल दे, मुआ पीछे जीव को सरप करे के प्रेत ये दो फल दिया करे, इम ज्यादा लगाव रखे वो मरिया बच के तो सांप बने और के वो प्रेतरी योनि में जाया करे, ए माया रा दो फल है भाई। अधिक जो माया है थारे पास में, इतनी अधिक माया है, इरोज तो इतों थारे करनो कहीं है, थारे दो टेमरी रोटी जोईजे, बा मैं थारे कमी रखू नहीं, तू चिंता मत कर, थारे सारी व्यवस्था स्वते वे जाए, तू मारा वचन मान और ई धन ने परमार्थ में लुटाई दे। अब नरसिंह भगवान ने ज्ञान लियो और नरसिंह भगवान भी संपत्ति ने परमार्थ लेखे लगाबा लागा, आवे जीका ने देवे पर सामी नहीं देखे, और भगवान ये भी कियो तू देवे तो है पर भी मैं अभिमान नहीं करनो है कि भाई मैं दे रही हूं, क्योंकि सजनों देना देने री भी एक युक्ति व्या करे, आप जठे भी दान पुण्य करो हो, जटे भी सेवारे ने भी धन खर्च करो हो, वो गुप्त वेणो, गुप्त जीतो रे वो तो ज्यादा लाभकारी वे, दान पुण्य करो तो अपने नाम रे भूखा मत करो के मारो नाम वे, कोई नाम री जरूरत नहीं है, आप तो एक कर्तव्य है और एक निमित्त बनो, दान पुण्य कर दो, ये दान पुण्य है, सारी सेवा है, कट्ठे भी जाओ तो यार। पर सजनो दान देनी लोगा ने आवे को नहीं हंसता, कैसे देनो है, ये सदगुरु संदेश दियो है वाणी में कि गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान, सो तो दान हरा मेर पूछो वेद पुराण, ईसा की रो कहीं अर्थ है, ईसा की रो अर्थ ये है कि दान देनो कैसे है, ये युक्ति भी गुरु बताया करे सजनो, अपने तो कठे भी गौ सेवा में आप सेवा करो, कठे भी अच्छो शुभ काम में धन खर्च करो, गुप्त दे दो, एलो साए मारा है मैं इतना देऊं इतना दिया हूं, वो दान जीरो है, आप देख लो आजकल दुनिया मान बढ़ाई रे भूखी दान ज्यादा देवे, अट मिन कल्टा बेड़ा बेड़ा है अट दे वाजन, लोग वावा करी कि भैया तो रुपया बांटे और बूटे पैसा देवे, और ये सिर्फ लोग शोभारे वास्ते, बिन कहीं मिली बिन बा शोभा मिल जाए बीरू ज्यादा कुछ नहीं मिले, दान हमेशा गुप्त करनो भाई, अपनो कर्तव्य समझ दान करनो के अपनो कर्तव्य है, तो तू अभिमान मत कर जे, तो नरसिंह जी कहीं करता दान देता पर नीचे नजर रखता, खूब संपत्ति दान दी, जने एक संत आया वे बोले कि ऐसी देनी देन जोर कित सीखी हो सेन, ज्यू ज्यू कर आगो करो और त्यू त्यू नीचा नैन, आ तो थारा आगे देवने वास्ते जा रहा है पर नजर नीची हो रही है, ये देनो आपका तो सीखा, तो बोले कि देने वाला और है र देता दिन और रेण, लोग भरम मारो करे इस विद नीचा है नैन, देवनाड़ो तो परमात्मा है जिको रात दिन दे रही है पर दुनिया भरम करे को नरसी दे रही हो, इस कारण मारा नैन नीचा है, धन्यवाद है भाई ऐसा भक्त ने, देना तो इनके है भाई। नरसिंह जी के वे भी समय अपनी संपत्ति लुटाई दी ही, पूरी जो भी संपत्ति पास में ही संपत्ति लुटाई दी, और खुद और खुदरी पत्नी गांव रे बारे कुटिया बनाए रेबा लागा, कुछ पैसा पास में हाजिर हूं अपनो गुजारो चलतो हो। अब पहले तो नरसिंह जी री हुंडी चलती ही, हुंडी मतलब वेती के भाई जैसे नरसिंह जी लिख देता तो पास बड़ी नगरी में कोई भी नरसिंह जी रे नाम से पैसा दे देता, इतो दन हो जन हुंडी चलती, पर अब हुंडी तो रिपियो ही कौन कौन हुंडी आलो हुंडी कैंसिल लगी बाजार में,
के नरसी भगत तो कंगाल वे गो है, नरसी भगत रे पास में कुछ नहीं। अब नगरी में पहला सेठ हाजना तो सब मान सम्मान भी करता, पास में भी आता है, सुख दुख री बात पूछता है, पर अब रिप्यू नहीं है जन कौन पूछे भाई सुख दुख री बात। ये दुनिया स्वार्थ की होई और बिन स्वार्थ किसी का नहीं कोई, ये दुनिया स्वार्थ री रिप्यू वेजत सब पूछे, रिप्यू नहीं भेजना कोई कौन पूछे। कोई कंगाल कड़ो वे गो वेर घाटो लाग हो तो हम ही आवे तो डोडो टल जावे कह रहे कटी मांगे लो इरे पास में अब गरीबी है। नरसी भगवान ने और बैराग वेगो फिर और भक्ति करने लगा। अब एक दिन री बात है कि कोई चार संत हाजी का नरसी जी भगवान रे गांव जूनागढ़ में आएगा और बे क्यों भाई माने द्वारिका री यात्रा करनी है और मारे पास में 500 रुपया है, 500 रुपया है। अब मारे पास में 500 रुपया है तो मैं इतने लंबे रास्ते में जाऊंगा तो कोई बीच चोर भी लूट ले, तो कोई थारे बड़ो सेठ कोई हुंडी देव नालो वे तो बिन में 500 रुपया दे दा मेरे बदले में वो मान लिखर दे दे वे मैं पाची द्वारिका में कोई बड़े सेठ रे कनु हुंडी ले ला। अब ग्वाड़ में मस्करा लोग बैठा है बे क्यों सा अबार तो एक ही सेठ है माँ के नगरी में ओ कुण है वो नरसी नाम रो सेठ है मेरे पास में चले जाओ। अब नरसी जी तो पण ध्यान राखजो वो दिखे लो थाने गरीब पर मेरे पास में धन बहुत है और मेरे पगा पड़ोला तो ही देवे लोग बस करा लोग जिका मजाक करता नरसी जी रे गरीबी रो और कहता रहो कितु पागल है पूरी संपत्ति ने लुटाई दी। वह चारू महात्मा नरसी जी उठे गया, नरसी जी उठे जाए प्रार्थना करने लागे वे संत लोग, नरसी जी प्रणाम करिया। नरसी जी बोले बोलो संता कैसे आया, मैं द्वारिका जा रही हार माने हुंडी लिखनी है। तो नरसी जी बोले महाराज बे दिन गया मारे पास में धन पैसो हो भी समय मारी हुंडी चलती पर बाजार में हुंडी मारी चले नहीं, मैं बहुत गरीब हूं। हाँ क्यों आप पग कौन पकड़िया जखम वो ना देवे बोले साधु पग पकड़ने लगा। नरसी जी क्यों पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है महाराज, मारे पास में वास्तु में ही नहीं। क्यों नहीं नहीं आप झूठ बोलो, हट कर लियो कि हुंडी तो लुकनी पड़ी। नरसी जी तो आप रे राम जी रे भरोसे पे 500 रुपया बेण के नु ले कागज में हुंडी लिखकर नीचे लिख दियो कि सेठ कियो के द्वारका नगरी में सावण सा नाम रो सेठ है मेरे पास में आप चला जाइए। कहीं सेठ सावण सा सेठ रे उठ चला जाइए और नीचे साइन कर दिया नरसी भगत ये साइन करिया। अब संत आप रे बूठू चलिया गया और चलिया गया जूनागढ़ और जूनागढ़ में जाहिर बे तो सेठ और दुकान माते जाहिर कोई नहीं पूछे सावण सा सेठ कियो है कि माणी नगरी में तो कोई सावण सा सेठ है ही नहीं। थाने ये हुंडी कौन लिखी के जूनागढ़ रो नरसी माने ये हुंडी लिखी। तो बे सेठ भी मस्करी करी के वो नरसी तो कंगाल ले गोर मेरी हुंडी कैंसिल होगी है मेरे पास में कुछ नहीं है महाराज। बे संत क्यों रे एड़ो आदमी तो वो हो नहीं, फिर भी संत भी नगरी में घूम रिया है। इतने में कहीं भी हो के नरसी जी बहुत गरीब स्थिति में हा भी दिन बे संत पूरे दिन घूमता रिया द्वारिका में भूखा तिरसिया। इधर नरसी जी रे घराली सामरा भोजन बनायो दो रोटी जीम ली। इतने में एक संत आया हा भूखा संत बे आए नरसी जी रे द्वार माथे प्रार्थना करे कि भाई भूख लागी है भोजन कराओ। नरसी जी रे इतनी गरीबी ही पत्नी ने पूछे कि अपने घर में अब आटो है कि नहीं। तो नरसी जी रे पत्नी कहवे आटो हो भी तो रोटी बना ली पर पल्लोतन है, पल्लोतन वे जिको माता बहन ऐसे करे कर पल्लोतन है पल्लोतन एक रोटी बन सके एक रोटी बनाई दे एक रोटी वा आतो आत बनाई और नरसी जी के लो महाराज आप भोजन करो। देखो मेरे पास में इतनी गरीबी ही तो भी देने री भावना ही दिया का गुण तेल है दिया मोटी बात दिया जग में चांदन और दिया ही चाले साथ और भोजन रो तो बहुत लाभ है भूखा दुर्बल दे मुख नहीं मोड़िए जे हरी आदि दे तो आदि तोड़िए आधी री अद कोर कोर की कोर है और हां बाजिंद अन सरीसा पुन और नहीं कोई रे।
बे संत भोजन करियो मेरी भूख मिटी, तो बे संत के रे वाह वाह नरसी थारे राम जी दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति कर जो। इधर तो संत आशीर्वाद दियो और उधर द्वारिका में भगवान स्वयं सावण सा सेठ रो रूप धारण कर बे संतारे सामने प्रकट वेगा। नरसी जी प्रणाम करिया, वो संत प्रणाम करिया, संता ने प्रणाम करिया सावण सा सेठ। तो बे संत बोले कि भाई मैं सुबह उतर ने ढूंढ रिया हाँ मिलियो नहीं, कि संता माफ करो मैं कोई यात्रा में गिरोड़ो हो। और अब बोलो आप कि आ हुंडी लिखी है नरसी भगत, ठीक है नरसी भगत रे मारे लेन देन है, कियो नगरी रा सेठ साहूकारा ने बेड़ा कर बुला जी का थारी मस्करी कर रिया था संता थारी। बे सब आया बी समय भगवान सावण सा सेठ रे रूप में भी द्वारिकारा बाजार में पे 500 रुपया रे हुंडी गणिक, एक दो तीन चार पांच ऐसे करता करता 500 री हुंडी गिन और संता ने कियो नरसी भगत रे वास्ते रो 500 री कई करोड़ रुपया नी हुंडी मांगे तो मैं आधी रात ना तैयार। वाह भाई वाह, दरिया दोषण दास में नहीं राम का दोष, साधु चाले पेंड दस तो हरी आवे सो को। अरे नरसी भगत रे आया तो अपने क्यों नहीं आवे, अपने माते कृपा क्यों नहीं वे। सजनों नरसी जी बे मां पुरुषों की बात मानी ही और पूर्णते समर्पित भी यहा भगवान रे चरणों में, जो जन मेरी शरण गए उनको उनकी लाज, गेल गेल पीछे फिरूर जब लग धरती आकाश, सावण सा सेठ रूप में भगवान कार्य करिया है। बे संत द्वारिका पाचा आए नरसी भगवान ने पूरी हिस्ट्री बताई, नरसी भगवान ने विश्वास वेगो के भाई भगवान है तो मारे साथ है। अब 500 रुपया जी का संता रहा, बे संतारा रुपये राशन पानी लाया और नरसी जी रे कने सुबह शाम और तो कोई नगरी रा आता नहीं, भी नगरी में 10-15 खोड़ा लूला लंगड़ा आंधा रहता है और भगवान री भक्ति करता है। बे लई इकट्ठा विजेता जन नरसी जी री पत्नी भजन अजन बोलता, वाह बे ने भोजन कराया, संग्रह तो राखता ही नहीं है नरसी जी। और नरसी जी रो काम में गो भाई, इरवास से महात्मा लिखे एक नरसी जी की उंडी दीनी और सावण सा कहाया, अब दो इती की शादी बईजत बात भरण ने आया। अब नरसी जी ने बच्ची की बच्ची रे बच्ची बड़ी वेगी दो इती और बीरे शादी री उम्र वेगी, तो शादी री तैयारियां भी आ जाना। देखो ये पुराने टाइम हुई जो माँ इरारी मायरो भरनी, ये देज प्रता पुराने टाइम है, ये कुप्रता है और सार कुछ नहीं। अब देखो भाई के अमीरी ही बीच समय नरसी जी बड़ा घर में बच्ची ने दे दी और अब नरसी जी वेगा गरीब, जनबे जी का रिश्तेदार हा नरसी जी रे बच्ची रा गर्रा, बाबा बीर ननंदन हमेशा ताना मारती है कि अब दो इतरो ब्याह आएगो और थारे मायरो की तो बरी देखा, जब थारे पिताजी ने पत्तो चाली रो तो कंगाल है कहीं माई रो बरी, फिर भी नानी बाई जो नरसी जी री बच्ची ही बा नूतन वास्ते आई ही। राम हेलो राम बोलो राम जी महाराज की। वो नानी बाई नूतन आवे के भाई चालनो है मारे अपने बच्ची रो शादी है, पिताजी आपने मायरो लेन आनो है। तो पिताजी के बेटी मारे पास में धन नहीं है कहीं मायरो ले रहा हूं मैं निर्धन कंगाल बेटी नहीं मेरे पास दाम, आऊंगा जरूर मैं बेटी सुमरूंगा राम, मैं तो निर्धन हूं मारकंद रिपिया तो है को नहीं, पर थारे बूटे मायरो लेन मारी वे जड़ो में जरूर आऊंगा। ठीक है बेटी क्यों आप उपस्थित हुए जाइ छो, बेटी ऐसे कर चली गई नैनी भाई वो भी उदास है। घर जाता ही मेरी सासु और ननद जो कहवे के कितो मायरो बरी थार पिताजी, कितो कहीं बरी वे तो बहुत गरीब स्थिति में है सासु जी, पर वो सासु बहुत बेकार स्वभाव री ही, सासु ननद बे ससुराल पक्षरा लोग नैनी भाई ने बहुत तंग करता है, ऐडा स्वभाव रहा भाई। देखो आज भी दहेज प्रतारे वास्ते और ऐडी चीजारे वास्ते बहुत बेटी ने पड़ताड़ ना दिया करे, ये गलत कुप्रथा समाज चलाई थी।
सार कहीं है बताओ आप, कोई सार नहीं। बहुत गरीबी और समझदार वे जगताई कह दे भाई कोई बात नहीं, जेड़ो वे जेन माइरो भरी जाए। अब नरसिंह जी उदास वेगा, नरसिंह जी उदास वेगा जना सामरी समय बा मंडली आई, 15-16 जी का भगत हमेशा कीर्तन करता हा। जेमू एक सूरदास आजी का समझदार हा, बेके आज नरसिंह जी आप उदास कहन लागो। नरसिंह जी के भाई उदास कहीं लागा हा, आज नैनी आई और नानी बोल रही है कि मायरो भरनो, पर अपने पास में जो धन है ही नहीं, फिर अपने साथ ही कोई आलनाला है नहीं, क्यों चिंता मत करो, अपा तो आलना घर घर तो दूजी नगरी रहा तो साथ आले को नहीं। दूजी नगरी रहा कहती भाई मैं थारे साथ क्यों चला, थारा जी का गनाई थे बहुत पैसा वाला है और थारे गरीब रे साथ जावा मानी बुट बदनामी वे, क्यों कहीं माहिरो ले रहा है भाई। गरीब गरीबी में कोई साथ नहीं रहे, गरीबी में साथ रहने वाला बिरला है, अमीरी में साथ रहने वाला हजारों है। गरीबी में और विषम परिस्थिति में साथ रहने वाला तो सच्चो मित्र है। बे क्यों अपा तो आला, नरसिंह जी क्यों ठीक है भाई अपा चाला। अब जी दिन एक दो दिन बच्चा हा माँ इरारा, तो माँ इरारी बे तैयारी करने लगा क्यों आला क्यों कहूं। वे 3 दिन बच्चा, 3 दिन में 5 नो है जना, कोई उबड़द मांगिया छकड़ा मांगिया, एड़ा ही कोई पिंचर छकड़ा जी का दिया भाई, और बेकार में जी का एड़ा कोई बुढ़ा ठाडा बड़द हाजी का ले 2-3। आपने ऐसे वो बड़द छकड़ा री व्यवस्था करी और जी कोई पूरा टाइम आते 5 नाला नहीं। अब जो वो नैनी भाई हा, नैनी भाई सरोवरी पाल माते जावे वो विलाप करे। देखो एक बच्ची रे अब कितनी तकलीफ है गई, एक भाई अब मारे माई रो कौन भरी, तो नानी भाई रे मायरा में ऐसे गावे भी है अपने क्षेत्र में। मारा ससुरो जी घना बक्तावर, मारा ससुरो जी रे पास में तो बहुत धनमाल है पर मारा पिताजी बहुत निर्धन है, बहुत गरीब है। अरे देराण्या जेठाण्या माने मैणा घना देवे, देराण्या जेठाण्या माने मैणा घना देवे। अरे म्हारी सासु तो घनी सतावे भगत भगतरी बाल पूरा मान नरसी भगतरी। अरे पड़ोसन मारी तो आटी टोटी बोले, पड़ोसन मारी तो आटी डोडी बोले। अरे आ तो बड़ती में पूड़ाने के माय, आ तो बड़ती में पूड़ाने के माय, नरसी भगत भगतरी।
अरे मारे तू नहीं है जामण जायो बीरो, मारो तू नहीं है जामण जायो बीरो। अरे माने कुण तो चीर ओढावे भगतरी बालक पुरामा नरसी भगतरी। अरे जड़ भरु के डूब मरे जाऊं ये माय, जड़ भरु के डूब मर। अरे नरसी भगतरी बालकी पुरामा नरसी भगतरी। अरे मारा तो बाबो जी असल नीरवाणी, मारा तो बाबो जी असल नीरवाणी। अरे जाने पल्ले में पैसो नहीं है माय, जाने पल्ले में पैसो नहीं है माय। नरसी भगतरी पालकी पुरामा नरसी भगतरी। अरे जड़ भरु भगतरी बाल। अरे के तू सांवरिया मारा काज सुधारो, के तू रे सांवरिया मारा काज सुधारो। अरे नहीं परतन पाछी जाऊं नरसी भगतरी बालकी पुरामा नरसी भगतरी। बोली भक्तुर भगवान की। वाह वाह, कैसे वो नानी भाई अब रो रही है कि अब ये स्थिति होगी है के जड़ भरूं को डूबर खत्म है जो, क्योंकि मारी सासु और ननद और मारे ससुराल पक्षरा लोग ये मने जिंदी जड़ाई दे यदि ठीक सो मायरो नहीं भरियो तो। सजनों दहेज प्रथा में और हजारों के इस बात में हमेशा आया करे एक बच्चियों ने खत्म कर दे भाई, ये बड़ो अपराध है, ये बड़ो भारी पाप है। काफी रसोई जो कन्या मारे, काफिर वही जो संपत्ति में ऋण रखे वो काफिर है सजनों, जिको कन्या ने खत्म कर दिया करे। और जो नैनी बाईरी स्थिति आज हो रही है, अभी इमें अपा बोल रही है हाँ, ये स्थिति आज भी भारत में कई बच्चियों रही है। तो भाई वो नैनी बाई बोले कि मारा ससुरो जी घना बगतावर बगतावरानी बहुत धनी है, पर मारा पिताजी बहुत निर्धन है। देरानिया जेठानिया डोडी बोले है मैना देवे है, और सासु ननद मने बहुत दुख देवे है। मारी जो पड़ोसन है बातो बढ़ती में कहीं नके है पूड़ा नके, बढ़ती में पूड़ा नके जन खाई गए लाए घड़ी लागे भाई, तो बहुत दुखी हूं मैं। और मारे जामन जायो बीरो भी नहीं, नहीं मारे जामन जायो बीरो कुण ओढ़ावे माने चीर। अब माने कुण तो ओनी ओढ़ावे और कुण ये मायरो भरे, और वो रो रही है हे राम जी हे भगवान मारा पिताजी तो आपरे चरणों में अपनी सारी संपत्ति भेंट कर दी ही,
तो दान पुण्य में कर दी ही, अब मारा काज आप सुधार जियो। अब नरसिंह जी गुड़नू रवाने विया अपनी मंडली ने ले, और दस पंद्रह बे भाई भगत, कोई सूरदास, कोई गरीब आदमी लाई, कोई लूला लंगड़ा, पंद्रह सोलह जना रवाने वेर आपरे भी गाडू लीने रवाने करी। अब गाड़ी ने रवाने करे तो बा गाड़ी तो भाई दस दिन में पांच जड़ी, और पांचवा कितना दिन में हो कि पांचवा तो दो दिन में हो। अब वे वीर करीर, अब इतना किया नरसिंह जी बे कोई ड्राइवर तो हा कौन भाई, फिर भी आपरे बे बड़दा ने रवाने करिया गाड़ी ने चलू करी। घंटो दो घंटा चार घंटा तीन थोड़िया गांव बाहर निकलिया, और ऐसे करता करता शाम पड़ गई। भगवान तो भाई सब देखे है, दरिया जी बाप जी वाणी में लिखियो कि संकट पड़े जब साथ में सब संतन के सोग, दरिया साई हरि करे परसा माने लोग, विषमे भगवान कारीगर रूप धारण कर बूटे पधारिया। भाई कारीगर रूप धारण कर और भगवान आया, और वह गाड़ी चल रही है धीरे धीरे, और भगवान एक गरीब कारीगर बूढ़े कारीगर रूप धारण करना आया। भगवान दयालु, भगवान भक्तों रे वास्ते जूनागढ़ में कहीं भाई अपा जब भक्तमाल में सुख सारण जी महाराज फरमावे है कि कलरू गांव में प्रसाद जी खातिर भी भगवान आया कारीगर बन। ऐसे अनेकों भक्तों रा प्रसंग है जहां रे भगवान कार्य सारण वास्ते आया, भगवान वरद रूप में आया, और अपा नर भाई मारे नानी भाई रो माई रो मन गाई थोड़ो बोली जुड़ो मारत है नहीं, पर नानी भाई रे मारे में सुनियोड़ी है कि भाई गणी दूर से दौड़ियो थारी गाडू ली रे लार, गाड़ी में बैठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। जूनागढ़ रे पास में अंजार गांव हो, अब वो कहीं दो चार किलोमीटर पहला पड़ता हो, तो वृद्ध अवस्था में वो भगवान बोले कि भाई मने भी जूनागढ़ रे पहला एक गांव है बुटे जानो है। तो नरसिंह भगवान के भाई ठीक है आउरो, पर मारी है बैलगाड़िया है जिकी काम चलो भी है, पालो ही बेनो पड़ सके, रिश्ता में कोई पतो नहीं। भगवान के मैं कारीगर हूं चिंता मत कर, भगवान कारीगरी करी भाई। भगवान तो भी रथ राया भी बड़दरे पीछे जो पेड़ा है मेरा इता जो सुंदर पेड़ा पुटिया के भी रथ ने ऐसो सुंदर कर दियो जैसे कोई भाई बहुत ज्यादा विवाह शादी में सजाए भी रथ ने सजा दियो। और भगवान खुद नरसिंह भगवान रे बे ड्राइवर बनिया भाई, या तो अर्जुन रे भगवान रथ हाँक्यो हो, और के फिर जूनागढ़ रा नरसिंह रे भगवान रथ हाँक्यो हो, और वो गाडोली चलने लागी और तेज तेज स्पीड से चल रही है, और कैसी रचना हुई है। और वे वो जो मेन समझदार सूरदास हो वो क्यों मैं था ना क्यों ना, आप चिंता मत करो अपना कार्य भगवान करे, भगवान भक्तों रे वास्ते आवे भाई। और उधर वो नानी भाई तो गांव रे बार पानी ले उन्हें आयोड़ी ही, अरे उबी बाई सरवरी एरी पाड़, उबी रे बाई सरवरी एरी पाड़, ऊंची तो चढ़े ने नीची उतरे उतरे उतरे, अरे आंबड़ लीरी गेरी गेरी छाए, आंबड़ लीरी गेरी गेरी छाए, जिन पर तो बैठो ये ते सुवटो सुवटो सुवटो। कहीं बोले नानी भाई बाबा, अरे सुवटिया तो धर्म रो रे धर्म रो रे वीर, देख झुलरिया ने आव तो आव तो आव तो,
अरे सुओ बैठो टोकी माते जाए, सुओ बैठो टोकी माते जाए, पिछम दिशा में सामी जो नरसी जी पहले माया लुटाई ही, आज भगवान कैसे कृपा करी भाई। पश्चिम दिशा में देखे तो भगवान स्वयं तीन लोकरा भगवान अवतारी पुरुष भगवान कृष्ण स्वयं भी रथ रे माथे बैठा और पधार लिया है भाई। नरसी भगत रे मायरो घर निवास बजाओ। अरे जीनी रे जीनी उड़े रे गुलाल, जीनी रे जीनी उड़े रे रथड़ारा तो हो रथड़ारा तो कलसिया जड़काए, रथड़ारा तो कलसिया जड़काए, तेलियारा बाजे जठे टोकरा टोकरा टोकरा। भगवान री दो ही तीरे मायरो भर ने भगवान आया भाई। जीनी जीनी गुलाल उड़ रही है और ये सुंदर रथ माते भगवान स्वयं बैठा है और साथ में ही वो कहेगा भाई बड़धा वो भी आ रहा है। वाह वाह। अरे गुड़ला रे तो गुंगर माले, गुड़ला रे तो गुंगर माल, देखो झूलरी रथड़ा माथे गाइए, रथड़ा माथे बेटा श्री गोपाल, रथड़ा माथे बेटा श्री गोपाल, रूप निहारो रण छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे उतरी बाई सर्वरी एरी पाल, उतरी नानी सर्वरी, अरे आटी तो फिरने वाई बूजियो बूजियो बूजियो। अरे अर वो जब बारात ले भगवान पधारे स्वयं, धन्य है महापुरुषों ने, धन्य है महापुरुषों रे ऐसा भक्तों ने भाई। भगवान पधारे तो भी जान रे सामे नीचे उतर और पूछे नैनी भाई काई पूछे। अरे थे तो बीरा कठारा सरदार, थे तो बीरा कठारा सरदार, किनरे थे जास्यो बीरा बोले। अरे स्वामी म्हारे, भगवान रे जो सेवक एवड़ा साथ में वो बोले। अरे स्वामी मारे मथुरा रा सरदार, स्वामी म्हारे मथुरा रा सरदार, अरे द्वारावती रे आया राव जी राव। अरे वसुदेव जीरा समरथ पूत, वसुदेव जीरा समरथ पूत, माता देव जीरा
अरे श्री रंग जीरे आया मीजे मान, श्री रंग जीरे आया मीजे मान, नरसी भगत रे आया के स्वामी मारे मथुरा रा सरदार, ये तो मथुरा रा सरदार भगवान कृष्ण पधारिया है और द्वारावती रे आया है और मेहमान की रे आया श्री रंग जी यानी नैनी बाई रे और आरो नाम श्री रंग जी और नरसी भगत रे साथे आया है क्यों। अरे भरणो माने मायरो अंजान, मायरो अंजार जिन रातु वीर बदामना बदामना। अरे नानी बाई वा नानी बाई करसी महारो चाव, नानी बाई करसी महारो चाव, इन विद गीत सुहाना सुहावना। बोली भक्तुर भगवान की। वाह वाह, देखो जैसी भगतरी भावना व्या करे भगवान वैसा ही ले जाया करे, जैसी जन की भावना तैसी साई, बिना सुखराम केर दूजा सुनिया नहीं कोई, जैसी भक्तरी भावना वे बीतरे रही भगवान वे जया करे भाई। कोई कृष्ण भगवान रे रूप में भी परमात्मा ने देखे है, सरगुण रूप में, कोई दरिया जी महाराज रूप में देखे है, कोई और कैसे देखे है, पर जैसी जनरी भक्तरी भावना वे वैसा ही भगवान वे जया करे। आज कृष्ण भगवान रे रूप में नानी बाईरी मायरो भरने भगवान आया तो कहे के भरणो माने मायरो अंजार, जिन रातो वीर बदावना और नानी बरस नानी बाई करसी मारो चाव, और इस विधे है गीत सुहावना, नानी बाई मारो चाव करी और नरसी भगत रे साथे आया मायरो भरने। सजनों आज भी संत रामदासी जैसे समृद्ध संत और गरीब दासी जैसे संत कहवे के नरसी रे ऊंडी जाली, और जो बाणी में लिखियो सावण सेठ कहाया और दो ही तीरी शादी में वो भात भरने आया, भगवान मायरो बरियो किता करोड़ रो छप्पन करोड़ रो मायरो भी समय बरियो, और सारा री बोलती बंद कर दी भाई, वो सारा चुप वेगा जो नानी भाई ने उल्टा सीधा बोलता है। देखो सजनो ये भक्तों री जो प्राचीनतम कथा है, ये भक्त रे दिल में भाव बढ़ाया करे भगवान रे प्रति। यदि आज भी कोई नरसी भगतरी तरह भगवान री भक्ति करे है निष्काम भाव सु तो भी रे भगवान कोई तरेरी कमी नहीं राखे है भाई, भगवान तो लिया दिया खड़ो है, अब कोई कमी है तो किम है, कमी है तो अपा में ही है भाई, अपना समर्पण में कोई कमी है, और यदि कोई समर्पित वेगो है भगवान रे चरणों में तो फिर भी री लाज भगवान ने दिया करे, भगवान रे चरणों में समर्पित हो सकनो। भगवान रा जो संदेश है वाणी में वे संदेशों ने अपना जीवन में उतारो तो भगवान भी भक्त रे माते कृपा करिया करे। आज नरसी भक्त रे भगवान पावने रूप में आया, मेहमान रूप में आया और नैनी बाईरा भाई बण और भगवान रे वास्ते भक्त रे वास्ते कारज सारियो, इर वास्ते महात्मा के एक सोछल छिद्र में करूं और अपना जन के काज, भगवान खुद बोले के सोचल छिद्र में करूं अपने जन के काज, मारा भगतरे वास्ते में हजार रूप धारण कर लूं, छल छिद्र कर लूं, गिरना कुछ जीव मार के धरूं नरसिंह साथ, जैसे जग प्रहलाद रे जरूरत पड़ी ही विषय में भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होगा, भगवान री लीला अपरंपार है। और कबीर साहब रे काम पड़ियो तो केशव बिणजारे रे रूप में भगवान आया है, दरियाव जी महाराज रे काम पड़ियो हो विष में लक्ष्मी प्रकट वेगी ही सजनों भी बाजरी जी कोठी में, बताओ आप कद कद भगवान नहीं आया है, भगवान री लीला अपरंपार है। सजनों अपा जद महापुरुषों रे के अनुसार भगवान री भक्ति कराला सुमरण कराला
निश्चित ही भगवान री कृपा अपने माते वेला। बोली राम जी महाराज की। तो अपा संक्षिप्त में जो सार सार जो हो आज नैनी बाई और भगत नरसिंह जी रो चरित्र सुनियो। नरसिंह चरित्र यही समझ में आवे कि भाई जीवन में जो भगवान की भक्ति करे है बिरे तो रिधि सिद्धि अर्श पर श्रिया करे। गायो है महात्मा अपनी बाणी में। अरे मदाकनी गोदावरी गंगा सरस्वती बह रे हमेश मदाकनी गोदावरी गंगा सरस्वती बह रे जावे दोष अज्ञान अंधेरो लक्षत ज्ञान भूमि पवित्र जा संत बिराजे अरे आनंद बोत हमेश हे के कबीर संतारी महिमा के कबीर
ऐसा भी साग दीवी है कि विवेकी संत बसे उन देश रिदि सिदि यारी टेल करत है धरदासी रो बेस। नरसी जैसा भगवान रा कोई परम भक्त और परम क्या करे रिदि सिदि तो मेरे दासी रूप में रिया करे भाई। बताओ आप मदाकनी गोदावरी गंगा सरस्वती बेवे अमेश दिन सो गांव गाम सो दिन है जठे अग्नि रेवे लवलेश जठे ज्ञान री भक्ति री और बैरागरी त्रिवेणी चलिया करे सजनो। बुटे मंदाकिनी गोदावरी गंगा ये त्रिवेणी संगम ज्ञान भक्ति बैरागर त्रिवेणी संगम है जो विवेक की संतरिया करे बुटे सहज रूप में आ जाया करे। मंदाकिनी गोदावरी गंगा सरस्वती बहता मेष दिन वो गांव दाम वो दिन हेर जटे अग्नि रेवे लवलेश बुटे दुख रू लेस मात्र नहीं रेवे जटे ऐसा भक्त रिया करे भाई। मिट जावे दोष अज्ञान अंधेरो और लक्षत ज्ञान दिनेश काम धर्म अर्थ मोक्ष फल पावत सुन उपदेश ये चारों पदार्थ मिल जावे काम धर्म अर्थ और मोक्ष ये चारों पद है जी का जूनागढ़ रा भगत नरसिंह ने मिलिया हा सजनो। अर्थ भी भगवान री कृपाओं अर्थ लेर भगवान स्वयं आया है मेरे और साथ रहा हा और मेरो कार सारियो हो। अंत में कबीर साहब लिखे भूमि पवित्र जा संत विराजे आनंद बहुत अमेश कहे कबीर संतरी ऐसे महिमार गावे है सुरती से जटे भगवान रा भक्तिया करे बुट कोई प्रकार की कमी नहीं रेवे भाई। बोली भक्तुर भगवान की बोली संत भगवान की बहुत ही सुंदर राम धाम नोखारी पावन प्रांगण में बैठ और अपा जो चातुर्मासिक सत्संग रो लाभ ले रिया हा वास्तु में ही रामधाम नौका में भी रिधि सिद्धि प्रकट है महापुरुषों की कृपाओं क्योंकि ये धाम में गुलाबदासी महाराज जैसे महापुरुषों रो परम आशीर्वाद है सब माते आज अठे रिधि सिद्धि कहीं गाटो भाई बताओ प्रकाश जी बाप जी तो रिपिया हाथ ही कौन लगावे बताओ हाथ लगावे के काम मती वे है हाथ लगा काम ही कौन भाई और मैं घणो हाथ लगावा पण ये तो काम कौन वे है। देखो बहुत भगवान की कृपा वेजन वे भाई रिधि सिद्धि प्रगटी ओड़ी है वास्तु में ही बाबजी महाराज रो यही अथक प्रयास रेवे के ये सारो धन अठे उपयोग में लागे तो आज इतो बड़ो होल में अपा बैठ सत्संग रो लाभ ले रिया हाँ ये अपने महापुरुषों की कृपा है और पूज्य राम प्रकाश जी बाप जी रे मेहनत रो ही परिणाम है। बोलो राम जी महाराज की। आज रो सुबह रो जो भोजन प्रसाद रामचंद्र जी भाकर गंगालडा निवासी आप आशुबेरो भोजन हो एक बार जोरदार ताली रे साथ में स्वागत जो भोजन महाप्रसाद में भाग लिया करे भंडार में क्योंकि रामधाम नौखा में 24 ही घंटा भोजन रो भंडार चलिया करे। शाम रो भोजन जो है वो देवी सिंह जी बाबा गोटन आपरी तरफ से शाम रो भोजन प्रसाद है आप रो निवेदन भी रहेला कि जो भी भक्त पधारिया हो शाम रो प्रसाद आप जरूर लीजो। बोलो राम जी महाराज की। अब ठीक है मामलो कीर्तन करा और साथ में बाद में आरती करा ला तो दो मिनट हरि नाम कीर्तन रे साथ में आप आजरी सत्संग ने अठे विश्राम देवा। आवो रे भाई राया पराम गुण गा